बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की EMI चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया है। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे। ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ, सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बची खुची जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की, लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। साहब, डॉक्टर साहब ने ये रिपोर्ट भेजी है। ओह, रिपोर्ट आ गई? बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। मस्ती क्यों नहीं, आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। रोहित, मैं संभालूंगी। हाँ, मैं डबल मेहनत करूंगी, पर प्लीज रोहित ऐसा मत करो, प्लीज रोहित ऐसा मत करो। बस एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। पर रोहित, चूज वन, बेटी या मैं। रोहित, रोहित प्लीज, रोहित रोहित मेरी बात सुन लो, रोहित प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो, अब मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? रोहित प्लीज, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? कैसे समझाऊँ मैं तुमको? माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आपसे मीठा खा रही होंगी, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। मत बोल, रोहित, 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 रोहित प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं।
नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी पर इस बच्ची को नहीं मरने दूंगी मैं। अरे मरती है तो मर जाओ, मैं बच्ची को नहीं होने दूंगा। माँ मैं दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। अरे पगली, बाहर आकर भी क्या करेगी तू, ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी, बाहर आकर तो किसके साथ खेलेगी, क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती है, और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है। बाहर आओगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ, मता मता तो मता मता तो भाई मता। अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, पंखियों में ऐसे खेले रूप तेरा साथी, न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। हाँ बंद है कि बढ़िया खिड़की पे सांप, किसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल, आएगी तू पागल। हो ना आना इस देश मेरी लाडो, ना आना इस देश मेरी लाडो, हो चाहे टुकड़े हो दिल के हजारों, पर तू ना आना इस देश मेरी, आना इस देश मेरी। ज्योति ज्योति क्या हुआ, ज्योति क्या हुआ, अरे कुछ तो बोलो ज्योति। हेलो हेलो डॉक्टर, प्लीज कम फास्ट प्लीज। ज्योति ज्योति कुछ तो बोलो, अरे ज्योति कुछ तो बोलो ज्योति कुछ तो बोलो। सॉरी मिस्टर रोहित, शी इज डेड। नहीं नहीं ज्योति, नहीं ज्योति तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए। ज्योति ज्योति तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हे भगवान, ये तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? अरे मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया। बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी। हाँ
मैं ही लक्ष्मी हूं, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूं, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूं और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूं और मैं ही संतोषी, और मैं ही हूं अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोले फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है। जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं, हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यह सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की पून सी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो दो कुलों की लाज ढोती है बेटियां, फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आखिर कसूर क्या है हमारा? हमारा जाता है अबे, क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रोहित 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 उठो, अरे क्या हुआ क्या? उठो रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे अरे तुम जिंदा हो? जिंदा? हाँ, मुझे क्या हुआ है? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तुम सचमुच जिंदा हो। हाँ, पर हुआ क्या? वो कहाँ गई? वो कौन? मेरी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति, नहीं, अब मैं समझ गया हूँ, बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर इस जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है, बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो,
बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा। इस दुनिया को अगर बचाना है तो हमें इन्हें बचाना ही होगा। हम सबको मिलकर इन्हें बचाना होगा, है ना रोहित? तुम ठीक कहती हो ज्योति, इसकी शुरुआत हम करेंगे।